जी अब अच्छा जैदू, मैं पूछना चाह रहा था कि ये आज जो इन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर छपा है ना, कि जो उन्होंने रिपोर्ट में कहा है कि जो हक्कानी और हिकमत यार ग्रुप से जो है उधर पीस टॉक्स चल रही हैं, और दूसरी तरफ जो अमेरिकन वाइट हाउस ने जो कांग्रेस को रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, कि जी पाकिस्तान आर्मी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही, खुद वो पीस टॉक्स कर रहे हैं और हमें लड़वाना चाह रहे हैं, तो ये चक्कर क्या चल रहा है अभी ये? बेटा, चक्कर बिल्कुल ऑब्वियस है यार कि ये उनकी जिंदगी का मकसद ये है कि पाकिस्तान का अफगान मुजाहिदीन से तसादम करा दिया जाए, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। सही और अभी तहरीक तालिबान से उन्होंने तसादम कराया था, मगर अल्लाह ने करम किया कि तहरीक तालिबान की कमर टूट गई, पाकिस्तान वैसा का वैसा है, नुकसान उठाया हमने लेकिन हम वैसे ही खड़े हैं। जी मकसद इनका सारे तूफान का ये था कि पाकिस्तान में इतनी अनस्टेबिलिटी, खुदकुश हमले, धमाके हों कि दुनिया ये कहे कि पाकिस्तान अब एटमी हथियार रखने के काबिल नहीं है, जी और ये एक इंटरनेशनल गेम बनाए पाकिस्तान को किसानदर करने का, एटमी हथियार लेने का। अब ना ये तो नहीं हो सका। अब दूसरा स्टेप उसका यही है कि अफगान तालिबान से हमारी लड़ाई कराई जाए, वो भी नहीं हो पा रहा। खुद जाहिर पीस तेज कर रहे हैं, जगह जगह कर रहे हैं, पूरी दुनिया में कर रहे हैं, वो सबसे सबसे ज्यादा जोर खुला दे कर रहे रहे हैं। हैं आपकी जो है ना नॉर्थ वजीरिस्तान में, जहाँ पे हक्कानी वगैरह जो है बहुत ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग है। एक तरफ तो शदीद हमले इसलिए कर रहे हैं कि वो ये चाह रहे हैं कि पहले फौजी पर इतनी ताकत, इनके अपर हैंड जिसे कहते हैं, अभी इनका अपर हैंड नहीं है, अभी इनके पास कुछ नेगोशिएट करने के लिए कोई कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही नहीं है। पहले इन्होंने बल्कि ऐलान भी कर दिया था कि हम अफगानिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, तो तालिबान ने अपनी पोजीशन और सख्त कर ली थी उसके बाद। जी तो ये इन्होंने रियलाइज किया कि गलती हो गई, तो दोबारा स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि अफगानिस्तान हम कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। ये सारे स्टेटमेंट इसलिए दिए जाते हैं कि अपनी पोजीशन को सख्त किया जाए, और ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं ये बताने के लिए कि हम और बढ़ाएंगे हमले, हम और अपनी फौजें भेजेंगे, और हम अपने पीस डील अगर कर रहे हैं तो कमजोरी की वजह से नहीं कर रहे, इसलिए कर रहे हैं कि आपका भला है इसमें। यानी जब आप निगोशिएशन में जाते हैं ना, इसी तरह की बातें करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हालांकि दम कुछ नहीं होता, सारा प्रोपेगेंडा ब्लफ होता। तो यही कर रहे हैं वो, दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। पाकिस्तान को लड़वा, ये नहीं चाहते हैं कि अगर ये अफगानिस्तान से निकले तो फिर वहां पे अफगानिस्तान में पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ जाए, 96 से लेकर 2001 वाला हाल ना हो कि तालिबान की हुकूमत जो थी वो बेसिकली पाकिस्तान के साथ इतनी फ्रेंडली थी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में हर तरह से हालात और वाकयात को कंट्रोल करता है। ये बोलें चाहते कॉमन सेंस। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, मैं जान खुश रहा हूँ, जजाक अल्लाह खैर, अल्लाह की।